हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे त्रिभुजों को फाइंड करना, त्रिभुज कैसे ज्ञात किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आकृति आपको दी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब ये आपको एक आकृति दी गई है, इसमें पूछा जा रहा है कितने त्रिभुज हैं। देखिएगा, इस त्रिभुज को पता करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं आपको पहले भी बहुत बार त्रिभुज के सवाल बताया हूँ, इस तरीके की आकृति बताया हूँ, ठीक है। अब इस तरह की आकृति में आप क्या करते हो, आपके पास ये आकृति दी गई है, ये वाली आकृति। तो मैंने आपको क्या बताया है कि क्षैतिज लाइन से हम काउंट करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। अब ये है हमारे पास, तो सबको काउंट करेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, मतलब इसमें 10 त्रिभुज हैं। अब बिल्कुल ऐसी ही आकृति देखो मेरे पास ये है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही आकृति है ये। इसमें जब मैं काउंट करूंगा 1, 2, 3, 4, तो 4 तक रहेगा, तो उसमें कितने त्रिभुज रहेंगे, 10 रहेंगे ना। लेकिन अब मैं इसी आकृति को, बिल्कुल इसी आकृति को पलट दूंगा, तो देखो ये ऐसी आकृति बन जाएगी, ये पलटने के बाद है, ठीक है, ये पलटने के बाद है ऐसी आकृति, देखो पलटी गई है, ठीक है। तो इसको जब मैं काउंट करूंगा तो 1, 2, 3, 4 और 4 तक का योग 10 हो जाएगा। तो इस वाली आकृति में 10 हो गए और इस वाली में भी 10, तो 10 और 10 टोटल कितने हो जाएंगे, 20। पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो। यह आकृति बनाने के लिए हमें कितनी पंक्तियों की जरूरत है। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, एक तो पंक्ति होती है आपकी लंबवत इस तरीके से, एक होती है क्षैतिज इस तरीके से, दो हो गई, एक इस तरीके से तिरछी होती है और एक इस तरीके से तिरछी होती है ना। ये 4 तरह की पंक्तियां होती हैं। तो सबसे पहले ये लंबवत वाली हम काउंट कर लेंगे, तो ऐसे लंबवत वाली 1 और 1 कितनी हो गई, 2, तो लंबवत वाली कितनी हो गई, 2। अब ये क्षैतिज वाली काउंट कर लो, 1, 2, 2 क्षैतिज वाली है, इस तरीके से कितनी है काउंट कीजिए, इस तरीके से 1 है, 1 हो गई, इस तरीके से कितनी है, इस तरीके से भी 1 है। तो बस सबको जोड़ लो, 2 और 2 4, 5, 6, कितनी हो जाएंगी पंक्तियां, 6 पंक्तियां हैं इस आकृति में। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। ये हमारे पास आकृति है, इसमें कितने त्रिभुज होंगे। देखिएगा, सबसे पहले सवाल में मैंने आपको ये वाली आकृति बताई थी, ये वाली, ठीक है, ये वाली ही आकृति तो बताई थी मैंने पहले वाले सवाल में। देखो ये वाली आकृति याद आ गया, यही आकृति थी जिसमें मैंने आपको गिन के बताया था 1, 2, 3, 4 और सभी तक का योग 10 आ गया था। यानी कि हम कहां से गिनते हैं, ये क्षैतिज लाइन से गिनते हैं। इसमें एक क्षैतिज लाइन थी तो मैंने एक ही बार गिना, अब इसमें 2 क्षैतिज लाइन है तो 2 बार गिनूंगा, जैसे 1, 2, 3, 4, योग 10 हो जाएगा। अब इसमें एक और क्षैतिज लाइन है तो एक और बार गिनूंगा, 1, 2, 3, 4, इसका भी योग 10 हो जाएगा। तो 10 और 10 टोटल कितना हो गया भाई, 20, मतलब इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। पहला ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यहां पे देखो डिफरेंट आकृति ली गई है, इसमें बताना है कितने त्रिभुज हैं। अब ये आकृति है, इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा ये, केवल 2 ही त्रिभुज है इस आकृति में, 1 ये वाला और 1 ये वाला। अब इस आकृति को महत्वपूर्ण समझिए, 1 ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 त्रिभुज है ना। तो आप क्या करोगे, 4 का 2 गुना कर दोगे। इस तरह की कभी भी आकृति हो उसका 2 गुना कर देना, आपको इस तरीके की कोई भी आकृति हो 2 गुना कर देना है। ये आकृति और ये आकृति सेम, ये भी सेम और ये भी सेम, सभी का 2 गुना करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने निकल के आए, छोटे छोटे त्रिभुज 6, 6 का 2 गुना कर दो, 12 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हैं छोटे छोटे, 8, 8 का 2 गुना कर दो, इस आकृति में 16 त्रिभुज हो जाएंगे। अब ये वाली आकृति और ये वाली आकृति बिल्कुल सेम है, इस आकृति को, इस वाली आकृति को 45 डिग्री पे ऐसे घुमा दिया गया है, ऐसे थी ऐसे ही घुमा दिया 45 डिग्री पे, तो ये वाली आकृति और ये वाली आकृति बिल्कुल सेम है, इस वाली आकृति को घुमा दिया गया, 1, 2, 3, 4, तो 4 का क्या करोगे, 2 गुना कर दोगे, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब इसको गिनेंगे तो ये वाली आकृति और ये वाली आकृति में बहुत अंतर है, याद रखना।
तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि देखो ये वाली आकृति ऐसे, ये वाली आकृति और इसके अंदर वाली आकृति देखो बिल्कुल सेम है ना, ये वाली आकृति और इसके अंदर वाली आकृति बिल्कुल सेम है। तो एक दो तीन चार, तो चार का दोगुना आप क्या करोगे, आठ हो जाएंगे। तो इस वाली आकृति में तो आठ ट्राइंगल हो गए, आठ के बाद देखो एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, चार ट्राइंगल हो गए। तो इसमें चार और जोड़ दीजिए, जब चार ट्राइंगल हो गए तो इसमें चार और जोड़ दो तो कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, टोटल बारह ट्राइंगल। तो इस तरीके की कोई भी आकृति रहे आप उसका ट्राइंगल आसानी से बता पाएंगे। अब देखते हैं अगला सवाल, अगला प्रश्न है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। हमें क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या पता करनी है इस आकृति में कितनी है, और ये डिफरेंट आकृति आपको नजर आ रही है। मैंने आपको क्या बताया कि हम क्षैतिज लाइन से गिनते हैं, तो ये क्षैतिज लाइन पूरी है हमारी, एक दो तीन चार पाँच छः, तो सभी को मैं जोड़ूंगा, एक और दो तीन और तीन छः चार दस पाँच पंद्रह और छः इक्कीस, तो यहाँ से मुझे मिले 21 ट्राइंगल। अब मेरी ये वाली क्षैतिज लाइन है, जब क्षैतिज लाइन पूरी जुड़ी रहेगी तो पूरा जोड़ेंगे, जहां तक क्षैतिज लाइन रहेगी वहीं तक जोड़ना है। तो ये क्षैतिज लाइन मेरी इतनी है केवल, एक दो तीन, तो तीन और दो पांच और एक छह, यहां से मुझे मिले छह। इसको ये वाली क्षैतिज लाइन मेरी यहां तक है, इसको गिनेंगे एक दो तीन, इससे भी मुझे कितने मिल जाएंगे छह। ये क्षैतिज लाइन मेरी इतनी है तो इतना ही गिनूंगा मैं, एक दो तीन चार, इससे मुझे कितने मिल जाएंगे दस। और ये रही मेरी एक क्षैतिज लाइन, एक दो तीन, इससे मुझे कितने मिलेंगे, तीन दो पांच और एक छह, इतने त्रिभुज मुझे मिल रहे हैं और ये मुझे सभी जोड़ लेने हैं, छह और छह बारह, बारह छह अठारह, अठारह में दस जोड़ूंगा अट्ठाईस, और अट्ठाईस में जोड़ूंगा इक्कीस, अट्ठाईस में क्या करेंगे इक्कीस जोड़ेंगे, तो आठ और एक नौ, दो और दो चार, कितना हो गया 49, कितना ट्राइंगल हो गया 49। तो इस आकृति में कितने ट्राइंगल हैं, 49 ट्राइंगल हैं, जो कि मेरे बी ऑप्शन में दिया गया है। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर आपने ये बड़ा वाला ट्राइंगल नहीं गिना, बड़ा वाला गिनना नहीं। देखो बड़ा वाला गिना जा चुका है, जब हम इस वाली क्षैतिज लाइन को गिनते हैं ना, तो ये पूरा बड़ा वाला भी तो इसमें आता है, पूरा बड़ा वाला आता है इसमें, तो इसमें 49 ट्राइंगल है, समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल, अगला प्रश्न है दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आकृति है, इसको बनाने के लिए कितनी संख्या लगेगी पंक्तियों की। मैंने आपको बताया इस तो लंबवत होती है, एक क्षैतिज होती है, ठीक है, और एक इस तरीके से होती है और इस तरीके से मुड़ी हुई होती है, ये चार तरह की रेखाएं होती हैं। तो सबसे पहले ये लंबवत हम गिनेंगे, लंबवत एक दो और तीन, कितनी है तीन, क्षैतिज गिनेंगे एक दो तीन, ये कितनी है तीन। अब ये वाली गिनो ऐसे कितनी है, देखो ऐसे एक ये हो गई, दूसरी ये और तीसरी ये, तो तीन हो गई ये वाली। अब ऐसे गिनो, ऐसे हमारी एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये, तीन ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, तीन और तीन छः, तीन नौ और तीन बारह, तो टोटल कितनी हो गई भैया इसमें पंक्तियों की संख्या, बारह, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, अगला प्रश्न है कितने त्रिभुज हैं, ये आकृति देखो आपको दी गई है, इसमें पूछा जा रहा है कितने त्रिभुज हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बताऊंगा कि आपको मैंने ये वाली आकृति बताई है, देखो ये वाली बताइए कि नहीं, इस वाली आकृति को मैं सबसे पहले बताऊंगा। तो ये देखो ये मेरी एक क्षैतिज लाइन है, तो इसी से काउंट करूंगा मैं, एक दो तीन चार, और चार तक का योग मुझे कितना मिलेगा दस। बिल्कुल ऐसी ही आकृति देखो ये वाली है कि नहीं, ये वाली है, इसको काउंट करूंगा मैं, एक दो तीन चार, तो चार तक का योग इसका भी दस हो गया, ऐसे ही एक दो तीन चार, इसका भी चार तक का योग दस हो गया, तो दस बीस और तीस, यानी कि अभी तक ट्राइंगल कितने मिले, मुझे तीस मिले है ना, इसमें दस मिले, इसमें दस और इसमें दस मिले, तीस हो गए मुझे, तीस ट्राइंगल अभी तक मिल चुके। तीस के बाद में अब देखो यहां पर ये वाली जो आकृति होती है, ये वाली, ये तीन ट्राइंगल बनाती है, एक ये छोटा वाला, एक ये छोटा वाला, एक दोनों को मिला के, ऐसे एक छोटा ये हो गया, एक छोटा ये हो गया, एक दोनों को मिला के बनेगा, तो इसमें तीन ट्राइंगल बनते हैं, ऐसे ही तीन इसमें बनेंगे, ऐसे ही तीन इसमें बनेंगे, तो कितने हो गए नौ, यानी कि नौ ट्राइंगल इसमें ऐड कर लेता हूं मैं, नौ हो गए। नौ के बाद में एक दो तीन चार ये हो गए,
हो गए कि नहीं हो गए, चार ही हो गए। अब कौन से बचे हैं उनको और गिन लेते हैं। एक तो बचा है ये बड़ा वाला, ये काउंट नहीं हुआ इसमें, बड़ा वाला एक ही हो गया। एक देखो ये वाला भी काउंट नहीं हुआ, एक ही हो गया, और एक हो गया ये वाला, यानी कि तीन ट्राइंगल इसमें और है, तो मैं तीन इसमें और जोड़ लेता हूं। तो 30 और 9 39 में चार जोड़ूंगा 43 43 में तीन जोड़ूंगा 46, यानी कि 46 हो जाएगा। 46 पहले ऑप्शन में दिया गया है, ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं। देखिएगा यहां से मैं काउंट जब करूंगा तो यहां से पहले यहीं पे आऊंगा, तो एक ट्राइंगल हो जाएगा ये और एक हो जाएगा ये, दो हो गए और इन दोनों को मिला के बनेगा एक। तो इस तरीके की आकृति कभी भी उसमें तीन ट्राइंगल बनते हैं, ठीक है। देखो ऐसी ही आकृति ये वाली है, यहां से मैं काउंट करूंगा ये वाली ऐसी ही है बिल्कुल सेम, एक यहां बनेगा एक यहां और एक दोनों को मिला के बन जाएगा, तो तीन इसमें भी बनेंगे। और देखो एक यहां बनेगा एक यहां, देखो कैसे ऐसे बनेगा, एक एक हो गया और एक ये हो गया, और ऐसे करके दोनों को मिला करके बन जाएगा एक, तो तीन मिलेंगे। और ऐसे ही तीन कहां मिलेंगे, यहां पे, ठीक है। देखिए अब यहां से काउंट करूंगा मैं ऐसे ऐसे ऐसे, एक हो गया ऊपर की तरफ और एक यहां से ऐसे, एक हो गया नीचे की तरफ और एक दोनों को मिला के बनेगा, तो तीन इससे बन जाएंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं तीन, तो 3 और 3 6 3 9 3 12 3 15 कितने हो गए 15 15 के बाद में देखो एक ये ट्रायंगल रह गया है, ये वाला ट्रायंगल एक रह गया है 16वां, ऐसे ही एक ये रह गया है, एक ये रह गया है 17वां, ठीक है ये 17वां। तो 15 ये हो गए, एक ये और एक दो और जोड़ दूंगा इसमें मैं, तो 15 में दो जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 17। तो इस आकृति में कितने ट्राइंगल हो गए 17 ट्राइंगल हो गए, इस आकृति में कितने ट्राइंगल हो गए 17। क्लियर है सभी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो मेरा सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।